अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। आयते करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मर्तबा इस अमल में आपको एक अलग तरीके से पढ़ना है और आप खुद कमाल देखो। इस अमल के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही भारी अमल है, यानी जलाली बहुत है। सामने वाले का इसमें क्या हाल होता है ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको भी फायदा मिले, आपका काम भी हो जाए, तो फिर बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वजीफा का तरीका आप देख लीजिएगा। यही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। खुद देखना, सामने वाला आपकी मोहब्बत में मछली की तरह तड़प उठेगा। सीधे तौर पर कहूं तो उसे ऐसे बिजली के झटके की तरह लग रहे हैं, उसे खुद महसूस होगा। कुछ ने बताया कि इसमें सामने वाले का सर भारी हो जाता है। जो मेरे भाई और बहनें तरह तरह के अलग अलग ताकतवर से ताकतवर अमल कर करके थक गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, उनसे यही कहूंगा कि इसे एक बार जरूर पढ़ें। और जैसे ही आपको इसके जरिए अल्लाह के हुक्म से फायदा होने लगे, तो फिर इसे आगे पढ़ना बढ़ा दें। कई मेरे भाई और बहनें कहती हैं कि भाई कुछ दिन तक तो वो सही रहता है, फिर उसके बाद वापस वैसा ही हो जाता है। एक बहन ने यह भी कहा कि वो बातें सब अच्छी अच्छी करता रहता है, मोहब्बत भी करता है, मगर उसे रोकना टोकना नहीं पसंद, और जब कोई बात उसे बुरी लग जाए तो फिर उसकी तेवर देखो, वो मुझे ही गलत सलत बोलने लगता है। उस वक्त वो मुझे बहुत जलील करके ही मानता है। ऐसा लगता है कि उसे खुशी महसूस होती है मुझे जलील करने में, मुझे नीचा दिखाने में वो अपनी मर्दानगी समझता है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो मेरे प्यारों, आज के इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपको सामने वाले पर परमानेंट असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इसे कुछ दिन करना लाजमी है। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमल की एक ही शर्त है कि इसे आप पढ़ें तो इसके बारे में किसी को भी खबर ना लगने दें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस वजह से पढ़ रहे हैं। पढ़ते वक्त कोई आपको देख ले तो इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपके साई को भी मालूम न चले इसकी वजह। और तन्हाई में पढ़ने बैठे जहाँ एकदम ज्यादा रोशनी ना हो, जिस्म से और कपड़ों से बदबू ना आए, मुंह से भी बदबू नहीं आनी चाहिए, ब्रश या मिसवाक कर सकते हैं। ईशा के बाद आप ये अमल पढ़ने बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा, और जुमेरात या जुमे से इसे पढ़ना शुरू करें अफजल रहेगा। तो कम से कम आप 7 दिन 11 दिन या 21 दिन इसे जरूर कंटिन्यू रखें। अगर बहनों को मजबूरी है, माहवारी का मसला है, तो फिर वो जुमेरात या जुमे के अलावा किसी और दिन भी पढ़ सकती हैं। और फायदा हो तो कमेंट में जरूर बताना। अमल पढ़ने के लिए आपको अपने शौहर की फोटो चाहिए होगी, या सामने वाला जो भी है उसकी तस्वीर आपके पास मोबाइल में हो, बस वो शौहर जो आपको मारता पीटता है या आपको तलाक देने के लिए आमादा बैठा है, और किसी गैर महरम के चक्करों में पड़कर वो अपनी बीवी बच्चों की सुध-बुध लेना ही भूल गया, और उसे अपनी बीवी की ना ही अपने बच्चों की कोई परवाह है, न वो अपनी बीवी को कोई खर्च देता है, न वो उन्हें अपने मायके लेने आता है, तो देखना इसे पढ़ने से क्या उसमें बदलाव होते हैं। उसका पूरा का पूरा रवैया ही आपके लिए बदल जाएगा। सामने वाले के आपके बारे में सोचने समझने का तरीका ही बदल जाता है, और फिर उसे आपकी कद्र होगी, उसके ऐसे होश उड़ जाएंगे कि आपकी फिक्र में वो भागा भागा आएगा। एक बहन ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर अमल का असर हो रहा है कि नहीं, तो यूं समझ लो या तो उसका दोस्त या जानने वाला रिश्तेदार या जो भी आपको भी जानता हो उससे उसके बारे में खुद मालूम करके देखें, उसकी खबर लें, या फिर नतीजा यही होगा कि वो खुद आपसे राब्ता करेगा, तो समझ लो कि तासीर उस पर होना शुरू हो गई है। कोई बहाना वो ढूंढेगा आपसे बात करने का, आपसे दूर रहकर वो फ्रस्ट्रेट होगा, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी फोटो पर आपको पूरा अमल करना होगा। एक तस्बीह अपने सीधे हाथ में लेकर बैठे, उसमें 40 दानों के बाद एक निशान लगा लें, कोई धागा वगैरह बांध दें। बावजू अमल करना होगा, सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और फिर कोई भी दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें, इनमें से कोई एक भी आप पढ़ सकते हैं। अब उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली को फोटो पर रखते हुए आपको या कादिरो या कादिरो या कादिरो 41 टाइम्स यानी 41 मरतबा तस्बीह पर पढ़ लेना है। इस दौरान उंगली को उठाना नहीं है, पढ़ने के बाद ही उंगली वहां से हटाएं और एक जोर की फूंक आप तस्वीर पर लगा दें। यहां तक आपको अमल समझ में आ गया है। अब आपको वहां फिर से उंगली रखनी है और आयते करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन 40 टाइम्स यानी 40 मरतबा पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उंगली वहां से उठा लें और उसकी फोटो पर दूसरी फूंक एक जोर की लगा दें।
इन दोनों के विरुद्ध की ताकत यहाँ जब मिल जाएगी तो आप खुद देखेंगे कि सामने वाले का क्या हाल होता है। आखिर में दुरूद शरीफ फिर से पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इस वीडियो को नेक नियत से देखने वालों की अल्लाह पाक हर परेशानी दूर कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।